जय हिंद दोस्तों। देश में कोरोना महामारी जमकर फैल रही है और इसकी आलोचना चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी की आलोचना हो रही है। लोगों को ज़रूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उससे थोड़ा ऊपर आए तो लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, उससे थोड़ा ऊपर आए तो लोगों को ऑक्सीजन वाले बेड नहीं मिल रहे हैं, और उससे भी थोड़ा ऊपर आए तो अस्पतालों को कई जगह पर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। हालांकि इस चीज़ को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हर तरीके से भरसक प्रयास कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि तरीके से हर चीज़ लोगों तक पहुंच पाए, मरीजों तक पहुंच पाए, जिससे कि इन सभी चीज़ों से निजात पाई जा सके। लेकिन बात वही होती है ना कि जो सावन के अंधे होते हैं उनको हर जगह सिर्फ हरा ही हरा दिखता है। मतलब आप उनके लिए कुछ कर लीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में जब सरकारों की घोर आलोचना हो रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, तो जो अफवाहों का जो बाजार है वो भी बुरी तरीके से भरसक रूप से गर्म। ऐसे में अफवाहें कुछ इस तरीके की फैलाई जा रही हैं कि लोगों का मनोबल और ज़्यादा तोड़ा जा सके। अब कुछ दिनों से ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये वीडियो दिखाना इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कैसी मानसिकता वाले लोग हैं जो अभी हम लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, या फिर जो हमारे बीच में झूठ फैलाने का मुख्य काम कर रहे हैं। ये चीज़ आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आएगी। अभी एक शख्स को मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। इन शख्स का वीडियो पिछले साल या 2018 में या 19 में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। ये हमको मंदिर चाहिए, हमको अस्पताल, रोटी, ये सब नहीं चाहिए, ऐसा कहते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वो वीडियो था। ये तो हालांकि इनका एडिटेड वीडियो है, पर इनका एक ये वीडियो था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। फिर इसको कई लोगों ने अपने अपने अंदाज़ा मिक्स करके बनाया तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। लेकिन अभी पिछले कुछ, इनका नाम जितेंद्र गुप्ता है, और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जो जितेंद्र गुप्ता जी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। और मृत्यु किस कारण से हुई है कि लखनऊ में उनको ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। और नैरेटिव ये चला जा रहा है कि भैया इनको तो मंदिर चाहिए था, अगर अस्पताल की मांग कर रही होती तो इनको ऑक्सीजन मिल जाती और आज बच जाते। नैरेटिव ये चलाया जा रहा है। अब ये जो बात है, ये नैरेटिव जो है, ये घूमता घूमता काफ़ी दूर तक पहुँचा, और इतना दूर पहुँचा कि भैया जितेंद्र जी तक भी पहुँच गया। तो वीडियो जारी करके उनने भी बात बताई कि भैया हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, सब सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस तरह के वीडियो को वायरल कर रहे हैं, बना के डाल रहे हैं, या फिर जो लोग ऐसी पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, उनकी शिकायत भी मैंने साइबर क्राइम से कर दी है, अब वो लोग व्यापक कदम उठाएंगे। और इस बात को दूर करने, ये जो डाउट पूरा होता है, इसको एक बीजेपी नेता है रविंदर सिंह नेगी, इन्होंने भी दूर किया। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जिंदा आदमी को मार देते हैं। ये मेरे परम मित्र गुप्ता जी हैं, जो कि पड़पतगंज विधानसभा दिल्ली में एक समाज सेवी हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है इनको, और ये अपने घर पर हैं। किसी ने उनके मरने की फर्जी खबर डाल दी, जिसने भी ये खबर डाली है उसके खिलाफ पुलिस में FIR करवाएंगे। तो इस तरीके से ये बात पूरी निकल कर सामने आई। लेकिन मुझको एक बात जो यहाँ पर समझ में नहीं आती, जो आप भी मुझे बताइए कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक अपने घटिया से प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए क्या इस तरह की अफवाह को फैलाना सही रहता है? भाई कोई भी धर्म का इंसान, कोई भी धर्म किसी को ये नहीं सिखाता कि आप किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावना रखें, ठीक है? तो भाई ऐसा नहीं है कि हम दूसरे धर्मों में कट्टरपंथी नहीं देखते। हर एक धर्म में उनके धर्म को मानने वाले कट्टरपंथी लोग रहते हैं, जो कि बहुत ही दिल से अपने धर्म को चाहते हैं। और ये हम लोग शांतिप्रिय समुदाय में भी काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं। वो लोग तो खैर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं इस कट्टरता के मामले में, तो उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते। फ्रांस पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद है, किसी को अच्छा लगा है कि भाई राम मंदिर बन रहा है, मुझे भी अच्छा लगा है, तो किसी को अगर अच्छा लगा है कि भाई राम मंदिर बन रहा है और वो चीज़ को लेकर कुछ बोल रहा है, तो क्या आप उसकी इस तरीके से आलोचना करेंगे? और अगर आपको यही लगता है ऐसा करेंगे, तो ऐसा मुझको बिल्कुल भी नहीं लगता है। अस्पतालों की अपनी जगह आवश्यकता है और मंदिर की अपनी जगह पर आवश्यकता है। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह भी है। और किसी की आस्था के साथ वैसे भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये हमको शांतिप्रिय समुदाय सिखा ही चुका है। तो बस मेरी अपील यही है कि भाई इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, भाई अच्छे से रहें, शांति से रहें। वैसे ही लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोगों का समय ठीक हो नहीं पा रहा है, और आप जितनी जी इंसानों को मारने में तो ले हुए हो, ये कहाँ की बात होती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।